नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हेमा मालिनी ने किया विश्राम घाट पर यमुना पूजन। बीजेपी ने तीसरी बार सांसद हेमा मालिनी पर फिर दांव खेला है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है। आज हेमा मालिनी ने यमुना के विश्राम घाट पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। यमुना में दुग्धाभिषेक करने के बाद मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग है कि यमुना माँ का शुद्धिकरण होना चाहिए। हमने उन्हें भरोसा दिया है और हम इस ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही यमुना अविरल होगी। हेमा मालिनी ने बताया कि कल वह नामांकन दाखिल करेगी। उससे पहले वह माँ यमुना की पूजा करने के लिए आई है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में माँ यमुना को ब्रज में पूजा जाता है। यमुना की दुर्दशा से ब्रजवासियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वह यमुना शुद्धिकरण की मांग कर रहे हैं। इन चुनावों में भी यमुना शुद्धिकरण प्रमुख मुद्दा है। सांसद हेमा मालिनी के साथ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी वहां मौजूद रहे। आइए जानते हैं बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हमारे साथियों ने मेरा यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष सब लोग मिलकर मुझे यहाँ पर यमुना पूजन करवाया है। टोटल मेरा नामांकन है। उससे पहले मैं पहले किया।